वर्तमान समय में अपने ही घर से बेघर हुए बुजुर्गों के पास एक ही सहारा है, जिसे हम वृद्धाश्रम कहते हैं। लेकिन वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आज हम आपको एक ऐसे वृद्धाश्रम के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां 3 दिनों से भीषण गर्मी में बिजली न होने से बुजुर्ग परेशान हैं। दरअसल एक वृद्धाश्रम के संचालक ने वृद्धाश्रम का बिजली बिल नहीं भरा है, जिसके चलते बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। ये कैसा वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम में भी बुजुर्गों को आराम नहीं। बिजली विभाग ने काटी वृद्धाश्रम की बिजली। गर्मी में बिजली ना होने से बुजुर्ग परेशान। ये पूरा मामला ग्वालियर के नारायण वृद्धाश्रम का है, जहां सूत्रों से पता चला है कि वृद्धाश्रम के संचालक सुनील गर्ग द्वारा वृद्धाश्रम का बिजली बिल नहीं भरा है, जिसके चलते बिजली विभाग ने लाइट का कनेक्शन ही काट दिया और वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसकी हालत देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मामला तब सामने आया जब हम ग्वालियर के नारायण वृद्धाश्रम पहुंचे। वहीं एक और बात, जब से निजी लाइट संस्था बनी है, तब से ठेकेदार आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक नारायण सिंह कुशवाहा, जो मात्र 300 मीटर की दूरी पर रहते हैं, उन्हें भी इस मामले की जानकारी नहीं है। जब हमने अपनी टीम के साथ जाकर मामले की जांच की, तो पता चला कि संचालक द्वारा बिल का भुगतान ना करने के कारण बिजली विभाग ने लाइट कनेक्शन काट दिया है, जिसके साथ ये भी पता चला कि रहवासियों को पानी की भी समस्या हो रही है। ये जानकारी खुद वहां रहने वाले बुजुर्गों ने दी। ग्वालियर से योगेश बिसाविया की ग्राउंड रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं, यह नारायण वृद्ध आश्रम, यहाँ पर सूचना और मेरे संग आ जाइए। ये यहाँ पर जो वृद्ध आश्रम चलाते हैं सुनील गर्ग जी, ये देखिए, खुद आराम से अपने घर बैठे हैं एसी में, लेकिन यहाँ बुजुर्ग लोग परेशान हैं। यहाँ लाइट नहीं है और इस समय घड़ी के बज रहे हैं 7:45 सुबह, 3 दिन से लाइट नहीं है और देख सकते हैं यहाँ उनका कोई अते पते नहीं है। वृद्ध आश्रम के कमरे देखिए, ये दिखाएं आप, लाइट नहीं है यहाँ पर लाइट, और पंखे ऊपर दिखाएं कैमरा से, पंखे बंद पड़े हैं ऐसी भीषण गर्मी के अंदर। पहले हमारे पिताजी रहा करते थे यहाँ मुख्य दृष्टि के पद पे, और उसके बाद से इस अभियान के बाद से हम ही लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या परेशानी है? अभी लाइट बिल की जो दिक्कत थी, लाइट बिल हम जमा नहीं कर पाए। कितना बिल है? 45,000 रुपये का बिल आया है, और विगत 3 महीने से हम जमा नहीं कर पाए हैं। राशि भी अब आपके पास, क्योंकि हमने जैसे किराए पर जो जगह दी थी, हमने इन हरीश दीवान जी को खुला बाल आश्रय गृह संचालन हेतु दिया था, तो क्योंकि उन्हों का एनजीओ है, उस एनजीओ को बहुत फंडिंग आती है। अच्छा, कितनी फंडिंग आती है? आइडिया तो मैं ऐसा, मेरे को कोई विशेष आइडिया नहीं है, फिर भी यहाँ पे 5 तो इनके वर्कर हैं जो उनको सैलरी पे करते हैं, परंतु यहाँ पे 10-12 बच्चे दिन में आते हैं, 2-3 घंटे खा पी के अपने और खेल खा के वो चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, और फिर ताला लग जाता है। ताला लग जाता है यहाँ पे। वर्तमान में कोई यहाँ कोई ऊपर 12 से 1 में कोई रहता नहीं है, और ना ही उन्होंने हमें लाइट बिल दिया है 2.5 सालों से, ना ही हमें किराया दिया। इसलिए हमें इसकी शिकायत शासन के द्वारा भी की गई है, और हमने इनके ऊपर खाली कराने के लिए मुकदमा भी किया हुआ है, जो कि माननीय न्यायाधीश ने विचार देना, और यहाँ लाइट की समस्या भी दी है, और यहाँ पे ऊपर कोई बच्चे आते नहीं हैं, और जबरदस्ती की गवर्नमेंट की जो फंडिंग ले रहे हैं और उसकी वकालत की आड़ में हमें दोष में रखते हैं। एक मेरे को ये बताएं, रो ठीक ये 3 दिन से लाइट ही बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, या बीमार भी हैं, कहीं ब्लड प्रेशर है, इनका निराकरण कब तक हो जाए? इनका निराकरण हम 2 दिन में करने वाले हैं। 2 दिन में बिजली विभाग क्या कह रहा है? बिजली विभाग ने उन्होंने ये कही है, जो क्या बोलते हैं अधिकारी वहाँ बैठते हैं, उन्हें कि हमारा बिल जमा करवा दो, हम आपको बहाल कर देंगे, क्योंकि प्राइवेट संस्था इसलिए। हाँ, वो जागृति नगर वृद्धा आश्रम में जो लक्ष्मी गर्ग जी हैं वह हैं चलाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी शासन है, मंत्री जो हैं ऊर्जा मंत्री वो ग्वालियर के ही हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है नारायण सिंह कुशवाहा, जो इस क्षेत्रीय विधायक हैं, वो भी इसी क्षेत्र में आते हैं। महत्वपूर्ण बात है, यहाँ बुज़ुर्ग लगभग 4 से 5 दिन लाइट गए हुए,
गर्मी परेशान है इस भीषण गर्मी में। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो है हाथरस में अभी अभी हादसा हुआ है, 27 लोग भीषण गर्मी के कारण मरे, उमस के कारण, और ऐसे में यहाँ सिर्फ ढोकलेबाजी की जाती है। यहाँ बुजुर्ग लोग परेशान है, 3 दिन से लाइट नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, पहले मैं 4-5 दिन बोला, 3 दिन से लाइट नहीं है। तो मैं यहाँ जो बुजुर्ग मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ अपने हाथ से ये पंखा चला रहे हैं, और मैं लोगों से पूछूंगा भाई इन लोगों पे इस समय क्या स्थिति बनी है और क्या यहाँ के संचालक के तरफ, उनसे भी चर्चा मैं करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा SP वागमारी, सुनील पुरुषोत्तम वागमारी। यहाँ पर लाइट का क्या मामला है? यहाँ पे हकीकत में आपको बता देता हूँ, हम ऊपर एक NGO खोल के बैठे हुए हैं। क्या नाम है? हरीश दीवान करके जी। वो लाइट वीट के बिल नहीं दे रहे काफ़ी टाइम से, किराएदार के रूप में किराया भी नहीं दे रहे, लाइट का बिल भी नहीं दे रहे, परेशान हो रहे। यही सब वजह से, उनके वजह से सब बुजुर्ग परेशान हैं। बस एक व्यक्ति के वजह से 25 आदमी मर रहे हैं। मैंने भी यही चीज़ आज मालिक को बोली थी कि एक व्यक्ति के चक्कर में आप 25 लोगों को मार रहे हो। आप उनके पाइप काटो, उनकी लाइट काटो ना, अगर बिजली का बिल नहीं दे रहे। इन लोगों ने क्या गुनाह किया है, क्या गुनाह किया इन्होंने? सबसे मुद्दे वाली बात यह है, इनका कहना बिल्कुल सही है कि वो लाइट नहीं रहे, कम से कम इन बुजुर्गों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, कम से इनको तो लाइट मिलनी चाहिए। और क्या इनका कोर्ट का मामला चल रहा है? हाँ, कोर्ट का भी चल रहा है, उसी के चक्कर में, खाली कराने के चक्कर में। सर, मेरा नाम संजय सेवरे जी। सेवरे जी, तो आप यहीं रहते हैं? जी साहब, मेरा 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ जी। तो लाइट कितने दिन से नहीं है? लाइट साहब 4-5 दिन से नहीं सर, लाइट नहीं है। हाँ, तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? अब साहब जी चला रहे हैं आपके सामने साहब। यहाँ जो संचालक, क्या नाम है उनका? सुनील गर्ग साहब। सुनील, उनसे कहा आपने, क्या बोले वो? उन्होंने कहा 2-4 दिन, 2-4 दिन और लगेंगे, हो जाएगी 1-2 दिन में। तो ऐसी गर्मी में आप लोग कैसे क्या करें बाबू जी? पंखा है, खाना पीना, यहाँ रहना, सब व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था खाना पीना मिल रहा है, बढ़िया मिलता है जी। सब बातों का सुख है, बस यही एक इतवार को लाइट कट गई, बस यही परेशानी आई है। और जिंदगी में मेरे को 17 साल हो गई, कोई परेशानी नहीं आई। मैं आपसे सही बात कर रही हूँ, क्यों मालिक की बुराई करें? वो वकील ने कब्जा जमा लिया, उसके चक्कर में मतलब बिल नहीं भरा, इसलिए इतवार के दिन वो लाइट काट गई, लाइट वाली बिजली वाली। बस हम जी चाहते हैं कि लाइट आ जाए बस। तो आपने देखा यहाँ पर कि यदि यहाँ पर मंत्री जी क्या लाइट चली जाए या उनके परिवार के चली जाए तो हाहाकार मच जाता है। लेकिन यह ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, बार बार कह रहा, मध्य प्रदेश के 3 दिन से बुजुर्ग लाइट से बेहाल हैं यहाँ पर, और मैं दुखड़ा इनने अपना रोया सामने, कोई सुनवाई नहीं है 3 दिन से। दूसरी चीज़, क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह कुशवाहा, वो भी क्षेत्रीय विधायक हैं, वो भी BJP के हैं, लेकिन उनके भी कान में जूं तक रेंग रह गई कि बुजुर्ग कैसे परेशान हो रहे होंगे। क्यों? खुद आराम से AC में पड़े होंगे, उनको ये चिंता नहीं है कि बुजुर्ग किस तरह से परेशान हो रहे होंगे। अभी यहाँ पर मैं ऑनर आ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करूँगा कि क्यों नहीं इन बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग महिलाएँ जो मेरी माँ समान है, और इस भीषण गर्मी कैसे परेशान हो रही हैं, यहाँ पर भगवान का सहारा ले रही हैं, क्यों और तो कोई है नहीं इनका। माँ क्या परेशानी आ रही बताओ? मेरे को बहुत परेशानी, मैं ब्लैक परेशानी के बीमार हूँ, लाइट नहीं है, मैं पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करें? लाइट नहीं है, 3 दिन से कल से आई हूँ, 3 दिन से सुना लाइट नहीं है, न लाइट है, न पानी है, न कुछ, क्या खाए, क्या पिए, क्या करें, क्या नहाना है, क्या धोए, आप बताइए क्यों इतना परेशान कर रहे हो गरीबों को? हमारा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, जब ही आगे पड़ी हो आगे। वो कैसे परेशान है बुजुर्ग? माँ क्या नाम है आपका? विषम देवी। लाइट कितने दिन से नहीं है? लाइट इतवार से नहीं है, 3 दिन से। तो आप देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं आप कितनी परेशानी आ रही है। यहाँ लोगों को बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, ऐसे में घमोरियाँ उठ रही हैं, उमस हो रही है, लेकिन शासन प्रशासन कान में जूई तक नहीं लग रही। यहाँ पर भोजन, अब इन बेचारे जो यहाँ पर आते हैं लोग सहायता करने वाले, वो भोजन कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील मालू। मालू जी, तो आज आप कहाँ हैं, क्या? आज हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग वृद्धाश्रम में भोजन करवाने आए हैं इन लोगों को। और वाकई में इनकी समस्या देख के ये लगता है कि आजकल के बच्चे कितने निर्लज हो गए हैं, जो अपने माँ बाप को ऐसी अवस्था में छोड़ देते हैं, जिन्होंने उनको जन्म दिया, पाला पोसा, खुद गीले में सोए, इनको सूखे में सुलाया, बच्चों को, वो आज माँ बाप को इस तरीके से छोड़ देते हैं। तो उन लोगों के लिए कम से कम समाज में आपको अगर कोई काम इस तरीके करना है, पहले तो ये चेतना लाई जाए कि माँ बाप को ना छोड़ा जाए, वृद्धाश्रम की जरूरत ही ना पड़े। तो सबसे बड़ी बात, एक सवाल ये उठता है कि जो बुजुर्ग
यहाँ पर आते हैं तो यहाँ जो ऑनर हैं बंसल जी जो चलाते हैं, क्या वो पूछते हैं कि भाई बुजुर्ग महिलाएं कहाँ से आई हैं, क्या कारण है, क्या परेशानी है उनके, उन पर परेशानी क्या आई है, ग्वालियर की है बाहर की है, क्या उनको बच्चों ने निकाला है, इस संबंध में कंप्लेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, क्यों, सिर्फ सबको अपनी जेब भरने की पड़ी है। और मैं दो बेटे हैं, दो बेटे एक सात करोड़ का नुकसान लेके मेरे को सबसे बड़ी करोड़ का नुकसान लेके भाग गया एक बेटा। देखो कैसे कैसी परेशानियां यहाँ बुजुर्ग माएँ झेलती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब ये परेशानी शासन और प्रशासन इन बुजुर्ग महिलाओं के संग न्याय करेगा या नहीं, या ऐसी ठंडे बस्ते में डाल दिया और ऐसे जो कठिन कठोर से कठोर कार्रवाई करती है जो इस तरह से बुजुर्गों को परेशान कर रहे हैं। मैं योगेश बिसारिया, MKN नेशनल न्यूज़ चैनल ग्वालियर।